डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट मड्यूल में बात की है स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी की एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसिसटेंसी रिलायबिलिटी एंड एज आई डिस्कस्ड विद यू देअर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी रिलायबलिटी इंटरटर रिलायबिलिटी इंटर आइटम रिलायबिलिटी एंड सुप्लेट हाफ रिलायबिलिटी लेट्स फर्स्ट सी द इंटरटर रिलायबिलिटी इंटरेटर रिलायबिलिटी इज़ अ मैयर ऑफ कंसिस्टेंसी यूज़ टू वैल्यूएट द एक्सटेंड टू विच डिफरेंट जजेस एग्री इन दियर असमेंट डिसीजन इसमें क्या होता है जो आपका फिनिना आप मैयर कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए यू हैव डिफरेंट ऑब्ज़र्वर्स और ये हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी देख सकते हैं और किसी फिनोमिना के भी लिए देख सकते हैं और जो ऑब्ज़रवर्स हैं दे गि एक्चुअली गिव यू द पॉइंट्स ऑन दैट फिनमिना जैसे कि अगर कोई परफॉर्मेंस है और वहाँ पे पांच कंटेस्टेंट हैं तो उनको वो स्कोर देते हैं जीरो टू टेन तो कंटेस्टेंट वन को जज वन ने सिक्स सिक्स जज टू ने सिक्स और स्कोर दिया है इसी तरह कंटेस्टेंट जो टू है उसको जज वन ने सेवन और जज टू ने सिक्स स्कोर दिया है इसी तरह जो कंटेस्टेंट थ्री है उसको जज वन ने फोर और जज टू ने फोर स्कोर दिया है इसी तरह जो कंटेस्टेंट फोर है उसको जज वन ने थ्री और जज टू ने टू स्कोर दिया है और कंटेस्टेंट फाइव को जज वन ने फोर और जज टू ने फोर स्कोर दिया है आफ्टर हैविंग द जजमेंट स्कोर्स वी एक्चुअली चेक द एग्रीमेंट बिटवीन द जजेस तो अगर हम देखें तो कंटेस्टेंट वन में बहुत जजेस हैव एन एग्रीमेंट दिस इज़ वाई वी गिव इट वन नंबर एंड इन कंटेस्टेंट टू

तो इस वजह से इसकी जो इंटरवेटर रिलायबिलिटी है वो कंपैरेटिवली हाई है अगर ये एग्रीमेंट वन होता तो हम ये कहते कि ये जो है इसकी जो इंटरवेटर रिलायबिलिटी है वो लो है और अगर ये एग्रीमेंट फाइव होता तो हम कहते कि ये इंटर रिलायबिलिटी जो है वो वेरी हाई है वट इज़ दप्लिट हाफ रिलायबिलिटी सप्लेट हाफ रिलायबिलिटी इज़ डिटर्मन बाई डिवाइडिंग द टोटल सेट ऑफ आइटम्स

और उन दो सेक्शंस से पे फिर आप जो है रिस्पोंडेंट का ओपिनियन लेते हैं और देखते हैं कि वो ओपिनियन जो है ओवर द रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो उसमें कितनी सिमिलैरिटी है इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे तीन रिस्पोंडेंट्स हैं तो उनको जो है जो एक असेसमेंट टूल है उसमें क्वेश्चन जो है एक तरफ इवन नंबर हैं दूसरी तरफ ऑड नंबर्स हैं वन टू नाइन नाइनटी नाइन जो आट नंबर्स हैं और टू टू हंड्रेड जो हैं इवन नंबर्स हैं तो तीन फॉर इंस्टेंस रिस्पोंडेंट से इन uh, जो है हाफ वन और हाफ टू के ऊपर डेटा कलेक्ट किया गया है और देखा गया है कि कैसे ये जो है इनमें कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसियाँ इन हाफ़ वन एंड इन हाफ टू सो द लास्ट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी इज़ इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी Uh, ये द मोस्ट यूज फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी है यानी हम जब सोशल साइंस रिसर्च में रिलायबिलिटी को मैयर करते हैं तो हम ज़्यादातर इस फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी को देख रहे होते हैं इस फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी में वी एक्चुअली चेक द दंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी बिटवीन द मल्टीपल आयरिंग बिटवीन द मल्टीपल आइटम्स मेजरिंग द सेम कॉन्स्ट्रक्ट तो इसको चेक करने के लिए दो मेथड हैं एक है कि आप जो एक कॉन्स्ट्रक्ट के लिए आपने जो स्केल बनाया है फॉर इंस्टेंस पियर ऑफ करोना वायरस को मैयर करने के लिए एक स्केल है एफ सी वी नाइनटीन एस उसकी सेवन आइटम्स है तो उन सेवन आइटम्स का आप इंटर आइटम कोर रिलेशन चेक कर लें तो उन इंटर आइटम कोर में जितना कोरिलेशन रिलेशन सिग्निफिकेंट होगा और हाई होगा इट मीन्स डैट कि उसकी वैल्यू पॉइंट फाइव से अबव होगी तो उसकी हम ये कह सकते हैं कि इंटर आइटम कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी बेहतर है और इसी तरह एक इसका और मैर है जो है क्रॉन बैक अल्फा और क्रॉन बैक अल्फा में को के बारे में हम जो है नेक्स्ट मॉड्यूल में डिटेल से बात करेंगे तो ये इस मॉड्यूल में हमने जो है कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी की टाइप्स के ऊपर बात की है और नेक्स्ट मड्यूल में, में हम इसी के मैर क्रॉन बैक अल्फा के ऊपर बात करेंगे